देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है? तो बनाते इसको। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 13,380 रुपया दिया जाता है और 6 वर्ष बाद 20,070 रुपया दिया जाता है, ठीक है? या हो जाता है, कुछ बोलिए। राशि का पता लगाएं, ठीक है? आपसे यहाँ प्रिंसिपल पूछा है, दो गो अमाउंट दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है जब CI दिया हुआ रहता है? तो P × 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर में क्या लिखा रहता है, टाइम लिखा हुआ रहता है, जितना साल का दिया रहे, 2, 3, 6 जो भी दिया रहे, ठीक है? बनाते हैं तब समझ में आएगा, ट्रिकी से बनाएंगे, ज़्यादा लफड़ा नहीं है, तुरंत बनेगा, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला अमाउंट कितना दिया हुआ था, 13,380 दिया हुआ था, ठीक है? CI पे अमाउंट है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, P × 1 + R/100 का पावर टाइम में है तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, 3 दिया हुआ था। दूसरा वाला अमाउंट देखिए कितना दिया हुआ है, 20,070 दिया हुआ है, ठीक है? तो सेम फॉर्मूला होगा, वही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टाइम पावर में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों को क्या करना है, डिवाइड दे देना है, ठीक है? डिवाइड दे देना है, आप एग्ज़ाम में इतना मत लिखिएगा कॉम्पिटेटिव के एग्ज़ाम में, ठीक है? डिवाइड देना, तो पहले वाला को क्या लिखेंगे, 270 लिखेंगे, ठीक है? पहला में क्या लिखेंगे, 270 / 13,380। और इधर देखिए जो फॉर्मूला था P × 1 + R/100 का पावर जो 6 था, तो क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या होता, पावर माइनस हो जाता है, ठीक है? माइनस हो जाता तो कितना आ जाएगा, P × 1 + R/100 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वही होगा ना, P × 1 + R/100 का पावर 6 है डिवाइडेड बटा P × 1 + R/100 का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, पावर सबको पता है, ठीक है? या डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, टाइम को डिफरेंस दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट इस पे पुट कर सकते हो, ठीक है? पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? और यदि आपको काटना है तो आप काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम काट के छोटा कर दे रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट पुट भी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? तो इसको काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, ठीक है? 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ठीक है? अब ये देखिए 223 बार में कटेगा, कैसे कटेगा, 223 बार में, 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, हाँ कट जाएगा 223 से, ठीक ना? 223 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, यानी P × 1 + R/100 का पावर जो 3 था उसका वैल्यू 3/2 आया। तो आप ये वाला पे पुट कर दीजिए, पहला वाला पे तो पुट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें पुट कर दे रहे, सिंपल है, तो कितना हो जाएगा, किधर हम मिटा दें, करते हैं यहीं पर जगह देखते हैं, काम क्या चलाना तो है। 13,380 गुने क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बटा 3/2 था ना, 3/2, हाँ 2 ऊपर हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब काटते हैं, 3 × 4 = 12, इसको ऊपर भेजने यार, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी 4,460 गुने 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, इधर 0 आ गया, फिर 6 × 6 = 12, ठीक है? 4 × 4 = 8, 8 × 1 = 9, फिर 4 × 2 = 8, यानी 8,920 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? इजी था, 8,920 आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।